और इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और अभी एक आदेश जारी किया है थोड़ी देर पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को, वो चाहे सरकारी सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर सरकारी जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो, उसको फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार से पूछे बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, वो चाहे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट जमीन पर चल रहा हो या गवर्नमेंट जमीन पर चल रहा हो। दूसरा, कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस डिमांड नहीं करेगा, केवल ट्यूशन फीस डिमांड करेगा, वो भी महीना वार लेंगे। कोई स्कूल पेरेंट्स को 3-3 महीने की फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को स्कूल्स की तरफ से, प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, सभी बच्चों को देनी होगी। अगर कोई पेरेंट फीस नहीं दे पा रहा है तो उनके बच्चों का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं काटी जाएंगी, ये आदेश दिए हैं। साथ में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं चार्ज करेगा इस दौरान, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन पर कोई खर्चा नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 1 महीने की फीस के अलावा कोई और, 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी स्कूल, वो चाहे प्राइवेट जमीन पे बना है या सरकारी जमीन पे बना है, कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी पेरेंट से कोई और तरह की फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्ट फीस चार्ज करेगा, ना कोई एनुअल चार्ज चार्ज करेगा, कोई चार्ज नहीं लेंगे। साथ में ये भी ऑर्डर दिया गया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की, चाहे वो सरकारी स्कूल पर, सरकारी ज़मीनों पर बने हैं या प्राइवेट ज़मीन पर बने हैं, ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने सभी स्टाफ को, टीचिंग और नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट का हो या आउटसोर्स किया हुआ हो, सभी स्टाफ को समय पे सैलरी उपलब्ध कराएंगे। अगर किसी तरह का उनके रेवेन्यूज में कोई शॉर्टफॉल है तो जो अपनी पेरेंट संस्था है उससे पैसा लेके पूरा करेंगे, लेकिन पैसे की कमी की वजह से किसी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकेंगे और पैसे की कमी के बहाने पर किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस इस ऑर्डर में साफ साफ हैं। और ये ऑर्डर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दोनों के अधिकारों के तहत जारी किया गया है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना की आपदा से जूझ रहा है। पूरे देश में कोरोना को आपदा घोषित करके आपदा कानून लागू है, तो इस आपदा कानून के लागू होने के समय में इन आदेशों का जो पालन नहीं करेगा स्कूल, उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट और आपदा कानून दोनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि कोई भी स्कूल 1 महीने की ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की और फीस चार्ज नहीं करेगा, ना ट्रांसपोर्टेशन फीस, ना कोई और एनुअल चार्जेस, ना कोई, कोई भी स्कूल सिर्फ इस वजह से कि कोई बच्चे ने फीस नहीं दी है उसको ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने से टर्मिनेट नहीं करेगा, उसको रोकेगा नहीं। बिना सरकार की इजाजत के कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, जो फीस पहले से थी उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा बढ़ी हुई फीस नहीं चार्ज की जाएगी किसी भी स्कूल में। और साथ साथ सभी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट हों या आउटसोर्स किए गए हों, परमानेंट हों, टीचर्स नॉन टीचर्स, सबकी सैलरी समय पर दी जाएगी। उसके लिए जरूरत पड़े तो अपनी पेरेंट संस्था से पैसा लेके दें, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी की वजह से फीस अगर कोई पेरेंट्स नहीं दे पाए हैं तो वो बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोक सकते। आदेश का पालन अगर नहीं करते हैं स्कूल तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।